रविवार शाम बहराइच के महसी के महाराजगंज में जहां घटना हुई वहां शुक्रवार की क्या स्थिति है हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार को जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उस दौरान 2 लोगों को एनकाउंटर में चोट भी लगी है, 2 लोगों को गोली भी लगी है। पर आज शुक्रवार की यहाँ क्या स्थिति एक बार पूरा जो हमारे कैमरा पर्सन प्रेम जी हम उनसे बोलेंगे कि पूरा इस 360 डिग्री इस जगह को दिखाइए और दिखाने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो ये वो घर जहाँ पर ये पूरी घटना कारित हुई थी और ये बगल का घर जहाँ से रामगोपाल चढ़ करके अब्दुल हमीद के घर पर गया था और इसी घर पर रामगोपाल को गोली मारी गई थी। फिर अगल बगल की तस्वीरें आप देखिए तो सारी की सारी जो दुकानें हैं 5 दिन का वक्त जो है पूरा हो चुका है इसके बावजूद सारी की सारी दुकानें बंद हैं। इंडियन बैंक जो था वो भी तब से बंद ही है, इंडियन ये महाराजगंज शाखा है इंडियन बैंक की वो भी तब से बंद है। और अगर बाएं तरफ आइए तो बाएं तरफ भी आपको सारी की सारी दुकानें आपको बंद दिखाई देंगी। और वहीं आज चूंकि जुमे की नमाज भी है उसको लेकर के भी बेहद अलर्ट है। सामने की तरफ में ये मस्जिद जिसका उस दिन जिक्र हुआ था कि इस मस्जिद से भी कुछ ऐलान हुए थे। हालाँकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है वो पूरी चौकसी बरती हुई है। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियाँ हर 100-150 मीटर पर चौकसी के साथ यहाँ लगाई गई हैं और पुलिस की टुकड़ियाँ आप सामने की तरफ में भी आप देखेंगे और बैरिकेड लगा करके जो भी लोग आ जा रहे हैं आप देखिए सामने जो भी शख्स आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है वो कहाँ जाना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये जो महाराजगंज का जो क्षेत्र है इसको तो बॉर्डर के तौर पर इसको सील ही कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ आने के पहले हर तरफ से 2-2, 3-3 बैरिकेड अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और पुलिस पूरी चौकसी के साथ एक एक लोगों पर नज़र रखी हुई है। देखिए उनके आईडी कार्ड देखे हैं पुलिस ने तब उनको जाने की जो परमिशन है वो कहीं ना कहीं पुलिस ने दी है। और ये बैरिकेड लगा करके अब देखिए दूसरे जो शख्स आ रहे हैं पुलिस अब उनको भी कहीं ना कहीं उनको रोक करके और उनसे पूछताछ करके ही उनको आगे की तरफ जाने देगी। तो ये लगातार ये प्रक्रिया जारी है कि कोई भी जो अवांछित लोग हैं वो जो है इन जगहों पर ना पहुँचें। सेंसिटिविटी क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा इस वक्त संवेदनशील है। जो घटना हुई उस घटना के बाद से हमने देखा कि इतवार की जो घटना थी उसके बाद सोमवार को भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। हालांकि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जब वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने अधिकारियों को बूस्टअप किया उसके बाद से जब अधिकारी भ्रमणशील हुए तो चीज़ें काफ़ी कुछ कंट्रोल में हैं। आज शुक्रवार का दिन जुमे की नमाज के को लेकर के अलर्ट परिस्थितियाँ किस तरीके से हैं वो आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ विवेक राय एबीपी न्यूज़ बहराइच। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।